उन्होंने एक शपथ ली थी कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। जब आप शपथ को तोड़ सकते हैं तो आप तीन बार चार बार शपथ लिवा करके क्या कहना चाहते हैं? नीतीश कुमार जी, पहले आप तो अपनी वचनबद्धता निभाओ। जिस दिन आप वचनबद्धता निभाने लगोगे उसी दिन बिहार की जनता भी वचनबद्धता निभाने लगेगी। नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर आज शपथ ग्रहण करवाया है, अपने तमाम अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को, उन लोगों को शपथ दिलवाया कि आज के बाद वे लोग शराब नहीं पिएंगे। वहीं दूसरी तरफ राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है और साफ तौर पर कहा है कि 2013 में भी नीतीश कुमार ने एक शपथ लिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे मगर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। अब ऐसे में कहा गया उनका शपथ, जब नीतीश कुमार ही शपथ तोड़ते हैं तो उनके राज्य की जनता क्यों नहीं तोड़ेगी? क्या कुछ कह रहे हैं जगदानंद सिंह, एक बार जरा आप सुनिए। शायद 2013 होगा जब भाजपा से अलग हुए थे तो उन्होंने एक शपथ ली थी कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। वो अभी तो एक शपथ था, अब कहाँ शपथ हुआ? जहाँ संवैधानिक संस्था बिहार की विधानसभा, वह एक स्थान नहीं, पूरे बिहार के भूगोल के प्रतिनिधि जहाँ 243 लोग बैठते हैं उस सदन में भारत की आवाम के सामने और सदन में उन्होंने शपथ ली थी। यही हम लोग जानना चाहते हैं कि जब आप शपथ को तोड़ सकते हैं तो आप तीन बार चार बार शपथ लिवा करके क्या कहना चाहते हैं? गीता में लिखा है जैसी राजा का आचरण होगा वैसी ही प्रजा का आचरण होगा। लोकतंत्र में मुख्यमंत्री राजा तो नहीं होता लेकिन पूरे सभी लोगों का प्रतिनिधित्व वही करता है। नीतीश कुमार जी, पहले आप तो अपनी वचनबद्धता निभाओ। जिस दिन आप वचनबद्धता निभाने लगोगे उसी दिन बिहार की जनता भी वचनबद्धता निभाने लगेगी। सड़क पर जो आपने मानव श्रृंखला बनाया था उन लोगों ने भी शपथ लिया है, तो बिहार की पूरी जनता ने। आप एक बार अपने चरित्र का आकलन करिए, क्या आप बिहार के नेतृत्व करने लायक हैं? क्या आप शपथ दिलाने लायक हैं? यदि आप व्यापार खड़ा करोगे 20,000 की समानांतर अर्थव्यवस्था और उत्पादन के केंद्रों से शराब आएगा बिहार के भीतर, तो आपने जो 10 सालों में अकूत संपत्ति कमाने वालों का जो मौका दिया था गांव गांव में शराब बिक्री करने का, बिगाड़ दिया है आपने आदत। उस समय लालू प्रसाद, हम सब लोग, पूरी राष्ट्रीय जनता दल कहता था गरीबों को शराब पीना मत सिखाओ। ये गांव के लोग, गांव के नौजवान यदि शराब पिलाना सिखा रहे हो तो इसके बड़े बुरे अंजाम हो गए। इन्होंने हम लोग को बात को मजाक में लेते थे, कहते थे कि हमारी राजस्व कमाने का साधन है, अब इसी से राजस्व उगाही करके हम बच्चे और बच्चियों को साइकिल पढ़ाई का पोशाक देते हैं। एक तरफ परिवार बिगड़ रहा था शराब पी करके, दूसरी तरफ बच्चे बच्चियों को पढ़ाने के लिए अब नाटक कर रहे थे। आज शराब भी नहीं बंद हो रहा है और पढ़ाई भी बिहार की खत्म हो गई है, गांव बर्बाद हो गया है। नीतीश कुमार जी, 20,000 की जो समानांतर अर्थव्यवस्था है उसका जनक कौन है कल तय कर दो, क्यों शपथ दिला रहे हो? इसका पहली मतलब दो चीज, आपके प्रशासनिक तंत्र शराब पी रहा है, आपका प्रशासनिक जो तंत्र है शराब बिकवा रहा है, आपका जो प्रशासनिक तंत्र है वह शराबबंदी के खिलाफ है। ये सारी चीजें यदि खिलाफ हैं तो मुख्यमंत्री जी आप ही के तो नेतृत्व में हो रहा है, इसलिए शपथ का नाटक बंद करिए। जब आप शपथ ली करके मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भारत ये भाजपा से हाथ नहीं मिलाऊंगा, और आप मिट्टी में मिल ही गए हैं, भाजपा से हाथ तो मिटा चुके हैं, आप हाथ मिला चुके हैं, आपकी शपथ का कोई मतलब नहीं, तो बाकी लोगों की शपथ का क्या मतलब हो रह जाता है? किसी अच्छे आदमी को वहाँ आने दीजिए जो शपथ दिलावे तो दिलाने लायक हो, शपथ मानने लायक हो तो मनवाने लायक भी हो,
शपथ बहुत बड़ी चीज़ है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। हमारी जो शादियाँ होती हैं वो शपथ ही है, अग्नि के साथ फेरे शपथ हैं। लेकिन आप सारी भारत की संस्कृति को आपने समाप्त कर दिया, कृपा करके इस बिहार को आगे बढ़ने दीजिए। जिस दिन हो जाएंगे उस दिन सवाल ही नहीं खड़ा होगा, फिर हम लोगों को सवाल पूछने की क्या आवश्यकता है? वो सवाल का जवाब नहीं देते हैं, गाली गलौज कराते हैं अपने लोगों से। गाली गलौज से राजनीति नहीं चलती है। हमारा सवाल गलत हो सकता है, आपका जवाब सही आ जाए, बात खत्म हो जाएगी। इसमें क्या झंझट है भाई? लेकिन क्या 20,000 करोड़ की समानांतर अर्थव्यवस्था का संचालक कौन है? कौन? यदि मुख्यमंत्री नहीं है तो आखिर कौन है? इसी सवाल का खाली जवाब दे दो सर। सवाल पकड़े जा रहे हैं। देखिए आप लोग जो घबरा जाते हैं, आज के दिन का विषय रहने दीजिए यहीं पर, वो विषय कल भी चर्चाएं हो सकती है। लेकिन आज शराबबंदी, मैं आज को कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार कुछ लोगों को नुकसान करता है, लेकिन दीमक की तरह पूरे इस बिहार के नौजवानों के भविष्य को, वर्तमान को खा रहा है। इसलिए इस शराबबंदी को लागू करने कराने वाला स्वयं आदि शपथ लेकर के शपथ का निर्वाह नहीं कर रहा है, तो शपथ निभाने का उसको कोई भी नैतिक अधिकार नहीं। तो सुना आपने, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को, जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार को ही उनके शपथ की याद दिला दी है। अब देखना आगे क्या कुछ होता है। हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर दे। तब तक के लिए धन्यवाद।